एलाइजा या एलिया परमेश्वर का महान भविष्यद्वक्ता, उसके जैसा भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ है। वो ऐसा महान शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता था कि उसके एक वचन से स्वर्ग से अग्नि उतर आती थी, उसके एक वचन से पराक्रम के काम होते थे। वो बहुत महान एक व्यक्ति था। उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलिशा। यहाँ पर लिखा है तब वह वहाँ से चल दिया, एलिया वहाँ से चल दिया, और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। किसान, एक किसान व्यक्ति था। कितने जोड़ी थे उसके सामने? 12 जोड़ी, मतलब कितने बैल थे? 24 बैल। और 24वां बैल कौन था? वो खुद है ना। वो भी हल जोत रहा था, मेहनत करने वाला एक जवान व्यक्ति हो सकता है। जब वो बुला रहा था तो देखता है सामने से एलिया नामक महान परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आता है, और आने के बाद वो क्या कहता है, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। भविष्यद्वक्ता, उनका नियम होता था कि वो अपने शरीर को एक चादर से ढकते थे, और बहुत से बार भविष्यद्वाणी जब परमेश्वर का वचन वो लोग बोलते थे तो अपने सर को चादर से ढकते थे। मूसा ने भी ऐसा किया था, और बहुत से भविष्यद्वक्ताओं का ये एक नियम था। जब एलिया उस रास्ते जा रहा था, एलिशा को जब उसने देखा तो अपनी चादर उतार के उसने एलिशा के ऊपर डाल दी। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि अब तक मेरी जो सेवकाई रही है, अब तक जो परमेश्वर का मैं मुँह रहा हूँ, और जो भविष्यद्वाणी मैं करता हूँ, जो सेवकाई मैं करता हूँ, वो अब से तेरे ऊपर दिया जाएगा। हम सबको परमेश्वर ने कैसे बुलाया? मूसा को परमेश्वर ने एक जलते हुए झाड़ी में से बुलाया है ना, और यशायाह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दर्शन दिया, और यशायाह ने देखा स्वर्ग को, स्वर्ग के विभिन्न स्वर्ग दूतों को देखा। और फिर हम यरमिया को देखते हैं, परमेश्वर ने खुद उससे बात की, अपनी आवाज़ देकर उसको बुलाया। यहेजकेल को के बारे में देखते हैं, उसको परमेश्वर ने एक बहुत बड़े हड्डियों की वादी दिखाई और उसको कहा कि भविष्यवाणी कर। ये सब बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता थे, नबी थे, सबको बहुत बढ़िया रीत से परमेश्वर ने बुलाया। एलिशा को कैसे बुलाया? ना कोई दर्शन दिया, ना कोई बढ़िया आवाज़ सुनाई दी, ना कोई चमत्कार दिखा। एलिशा की बुलावट बहुत साधारण सी एक बुलावट थी। हमको शैतान बहुत बार बहला के कहता है, तेरा कोई कार्य नहीं, तू किसी काम का नहीं था, इसलिए तू सेवकाई में पहुंच गया है। ये झूठ है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे सृष्टि के पहले से ही चुन लिया है। एलिशा को परमेश्वर ने बहुत पहले से ही चुन लिया। चुनाव तो बहुत सुंदर चुनाव था, एलिया नामक नबी का शिष्य था वो, लेकिन सेवकाई में आने के बाद भी जब तक एलिया उसके सामने था तब तक उसकी सेवकाई शुरू नहीं हुई। वो साधारण सा काम करता रहा, कभी नबी के पीछे जाता, कभी उनके लिए खाना बनाता, कभी उनको उनके लिए दूसरे अलग अलग छोटे छोटे काम करता। अपना जीवन उसने ऐसे ही बिताया। परमेश्वर हमको बुलाता है एक शिष्य बनने के लिए। शिष्य और शिष्टता, ये दोनों बहुत नज़दीकी वाक्य है। एक शिष्य को अपने जीवन में शिष्टता लानी ज़रूरी है, अनुशासन लाना ज़रूरी है। परमेश्वर हमको अनुशासन के लिए बुलाता है। अगर एक बहुत बड़ा राज्य हो, उसका प्रधानमंत्री को अगर नियुक्त किया जाए, तो बहुत सोच विचार करके उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। उसका बोलना, उसका उठना बैठना चलना, उसके वस्त्र, उसके खाने पीने की रीत, ये सब बहुत गंभीरता से जांची जाती है। क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो पूरे राज्य का नेतृत्व करता है,
और दूसरे राज्यों में जब जाता है तो राज्य के लिए खड़ा रहता है। उसी रीत से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को के लिए बुलाए गए हैं तो हमें यह सोचना है कैसे शिष्टता का पालन करूं, कैसे अनुशासन का पालन करूं, कैसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए योग्य एक पुरुष एक स्त्री बनूं, कितना मैं पढ़ूं, कितना वचन में गहराई से गुजरूं, कितना प्रार्थना करूं, ये सब हमको जो सोचना है। एलिशा शिष्टता से अनुशासन से गुजरा, कई साल बिना उसका नाम ऊपर आए हुए, बिना अपनी महिमा लेते हुए वो काम करता रहा। जो काम उसको दी गई उसमें वो विश्वास योग्य था। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमको शिष्यता के लिए बुलाया है। हमने और एक वचन पढ़ा था जो गलातियों के किताब से ली गई थी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं गलातियों का 5वां अध्याय और उसका पहला वचन हमने पढ़ा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। आपने ध्यान दिया, जब एलिया को बुलाया गया था तो वो क्या कर रहा था? वो बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था और वो खुद भी एक जुए के नीचे जूता गया था, वो भी काम कर रहा था। जब एलिया ने उसको बुलाया, एलिशा को, तो आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने ये नहीं कहा, अरे मेरा ये खेत का क्या होगा, मेरे बैल का क्या होगा, मेरे जो ये जो जुए मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका क्या होगा, क्यों नहीं मैं किसी को बेचकर अपने लिए अच्छा घर बनाकर माता पिता के लिए अच्छा पैसा जमा करके फिर मैं शिष्य बनूँगा। एलिशा ने क्या किया, ऐसा कुछ ना सोचते हुए उसने उस जुए को उठाकर फेंक दिया, अपने घर में गया, माता पिता को बुलाया, गाँव वालों को बुलाया और कहा, मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ, आज से मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसने जो जुआ था उसको लेकर क्या किया, जला दिया और जितने बैल थे उनको काट कर उस पर पका कर सबको खिला दिया। तो हम लोग सोचेंगे, अरे वो तो किसी को पार्टी दे रहा होगा, बड़े खुशी से जा रहा होगा। एलिशा दुनिया को बता रहा था, अब तक मैं जिस जुए को जोतता था, अब तक जिस जीवन में मैं जीता था, आज से नहीं जीऊंगा। मेरे जितने जिंदगी में ऊंचाई पाने थे वो सारे सामग्रियों को, सारे सामान को मैं नष्ट कर दूंगा। ये जो कदम मैं लेता हूं आगे, अब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। इसीलिए गलातियों के पहले वचन में भी कहा गया है कि तुम स्वतंत्र हो, अब गुलामी में वापस मत लौटना। कैसे हम गुलामी में लौटेंगे? हम लोग गलातियों का 5वां अध्याय उसका 16 से लेकर 26वें वचन तक हमने पढ़ा। उसमें लिखा गया है कि शरीर के काम तो प्रकट है और शरीर आत्मा के विरोध में है। 17वां वचन, हमको परमेश्वर ने आत्मिक व्यक्ति बनने की बुलावट दी है। परमेश्वर ने हमको कोई महान प्रवक्ता बनाने के लिए नहीं बुलाया, महान भविष्यद्वक्ता, महान गीतकार संगीतकार बनाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमको एक शिष्य होने के लिए बुलाया है और दूसरी बात, परमेश्वर ने हमको पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए पौलुस यहाँ पर बताता है, शरीर के काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, लूचपन आप लोग समझते हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये आपके शरीर में आपको नहीं खिलाना है, ये आपके जीवन में आपको नहीं खिलाना है। नहीं तो आपका शारीरिक मनुष्य वो मजबूत होगा, आत्मिक मनुष्य कमजोर होता जाएगा। तो क्या करना है? कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन चीजों को अपने जीवन में आपको बढ़ाना है।
बहुत से सेवक परमेश्वर के दास दासी लोग सेवकाई में आने के बाद उनके शरीर में उनके जीवन में संयम बहुत कम नजर आने लगता है, ईर्ष्या घमंड, उस व्यक्ति के पास ये सामान है, उस व्यक्ति के पास ये पोजीशन है, ये ओहदा है, उसके पास ये अवसर है, मेरे पास नहीं है, कैसे भी उसको नीचे खींचना है, घमंड विरोध, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, चलो उसके खिलाफ हम षड्यंत्र रचाएं, चलो उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करें, हम लोग उसके साथ बलवा करें, उसको कैसे भी नीचे उतारें, ये सब शरीर के काम है, ये आत्मिक व्यक्ति के काम नहीं है। आत्मिक व्यक्ति का के जीवन में जो फल दिखेंगे वो है कृपा, हमेशा कृपा। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में दिखेगा हमेशा भलाई, उसके जीवन में दिखेगा हमेशा नम्रता। नम्रता का अर्थ यह है मैं सबसे तुच्छ हूँ, बाकी सब मुझसे उत्तम है, मैं प्रार्थना में दूसरों से कम हूँ, मेरे सामने वाला व्यक्ति प्रार्थना में मुझसे ज़्यादा है, मैं प्रवचन में सबसे कम हूँ, मेरा भाई मेरी बहन मुझसे ज़्यादा है, ये दृष्टिकोण रखना, इसको कहते हैं नम्रता। अब हम देखेंगे तीसरे वचन को जो हमने आज पढ़ा था। पहली बुलावट हमारी है एक अच्छा शिष्य बनने के लिए, दूसरी बुलावट है एक पवित्र व्यक्ति बनने के लिए। तीसरी बुलावट हमने आज पढ़ी है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 25 से लेकर 37वां वचन। ये एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति जिसका नाम हम लोग जानते हैं दयालु सामरी के नाम से। इस कहानी को हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के राह में निकल पड़ा। यरूशलेम से यरीहो का जो रास्ता था वो बहुत खतरनाक रास्ता था, आज भी लोग कहते हैं कि उस रास्ते से जाना बहुत खतरनाक है। वो ऐसा रास्ता था जो यरूशलेम जो करीबन 2300 मील समंदर के ऊपर है वहाँ से नीचे चली आती थी यरीहो की तरफ, और ये रास्ता में बहुत पत्थर थे, बहुत जंगल थे, बहुत यहाँ वहाँ मुड़ने वाले रास्ते थे, बहुत सकरा रास्ता था। इस रास्ते में गली गली में अलग अलग प्रदेशों में चोर लोग छुप कर बैठते थे। उन चोरों का काम यह था कोई भी अकेला व्यक्ति यहाँ से गुजरे तो कैसे भी उसको पकड़ें, उसको मूर्छित करें, उसको मार डालें, उसका जितना सामान है वो लेकर हम लोग चले जाएं। सभी को पता था ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इस रास्ते से कोई अकेला नहीं जाता था, जिस किसी को जाना था वो अपने झुंड के साथ जाता था और अंगरक्षकों के साथ जाता था। इस व्यक्ति के बारे में हमको पता है कि वो अकेले ही जा रहा था। जब वो अकेले जा रहा था तो जैसा होना था वैसे हो गया। कुछ लुटेरे वहाँ पर उसके इंतज़ार में थे, उसके आते ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उसको मूर्छित कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका जितना पैसा था सामान था सब चोरी करके वो लोग चले गए, उसको अधमरा करके रास्ते के किनारे फेंक दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि वहाँ से एक याजक, एक परमेश्वर का पुरोहित, एक मंदिर में परमेश्वर के सामने हमेशा आराधना करने वाला व्यक्ति चला आया। याजक चलते हुए आया, उसने देखा कि एक व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है, वो करा रहा है दर्द से, पीड़ा से, वो लथपथ है। याजक ने सोचा ये तो मूर्छित व्यक्ति है, इसकी तो मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, हमारे नियम में हमारे व्यवस्था में ये बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो या कोई मृत शरीर हो उसको अगर आप स्पर्श कर लें तो आप अपवित्र हो जाएंगे। अब मुझे तो जल्दी से जाना है, मंदिर में आराधना करनी है, परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति करनी है, अगर मैं अपने आप को अपवित्र कर दूंगा तो परमेश्वर के सामने खड़े रहने योग्य नहीं रहूँगा, तो क्यों नहीं इस व्यक्ति को कोई और बचा लेगा, मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा। और वो जो परमेश्वर का दास था जिसकी बुलावट है कि वो परमेश्वर
और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करे, वो मध्यस्थता ना करते हुए वहाँ से चुपचाप निकल पड़ा। उसके बाद एक और व्यक्ति आया और वो था एक शास्त्री, शास्त्री जो शास्त्र को पढ़ता है, अपने ज्ञान और बुद्धि में बढ़ता है, परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक बांट कर दूसरों को सुनाता है, सिखाता है। वो शास्त्री आया, उसने जब इस अधमरे व्यक्ति को देखा तो उसको थोड़ी दया आई, याचक की तरह पुरोहित की तरह वो वहाँ से निकल नहीं पड़ा, पर वो नज़दीक गया, उसने देखा, फिर उसने सोचा अरे हो सकता है ये चोरों के गुट का एक व्यक्ति होगा, ये सब मेरी भावना है, मेरी कल्पना है, ये बाइबल में नहीं है, हो सकता है अगर मैं इसके लिए अपना समय दूंगा तो मैं अपना खुद का समय बर्बाद कर दूंगा, हो सकता है इसकी जान बचाते बचाते मेरा जान खतरे में पड़ जाएगा, हो सकता है इसको बचाने के लिए शायद मुझे अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हो सकता है कि मुझे अपना बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा तब इसको बचाया लिया जा सकता है। इन विचारों से वो शायद झूंझा होगा और फिर धीरे से यहाँ वहाँ देखकर वो भी निकल गया। अब तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति को यीशु बताते हैं, वो एक सामरी व्यक्ति था। सामरी व्यक्ति लोग बहुत मशहूर नहीं थे, लोग उनको तुच्छ मानते थे, लोग मानते थे कि वो किसी भले काम के नहीं हैं। अब जब सामरी व्यक्ति आता है तो निश्चय ही वो तो बुरा व्यक्ति होगा, क्योंकि बड़ा परमेश्वर का दास याजक, उसने अच्छा काम नहीं किया, बड़ा शास्त्री आया, उसने अच्छा काम नहीं किया। अब ये सामरी साधारण सा व्यक्ति जो एक निचली जात का है वो क्या कर लेगा? लेकिन कहानी में यीशु मसीह एक बहुत बड़ा झटका देते हैं। सामरी जो अन्य जाति का व्यक्ति था, जो बड़ा आत्मिक धर्मगुरु नहीं था, जो शायद मंदिर में भी मुश्किल से जाता होगा, जो शायद एक बड़ा पापी व्यक्ति था, वो व्यक्ति वहाँ रुका, वो अपने गधे पर से उतरा, उसने घुटनों पर आकर उस व्यक्ति की के हाल पूछा, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसने अपने ही थैली से दाखरस निकाल कर उसके घावों पर लगाया, मरम पट्टी की, उसको अपने कंधे पर उठाया, फिर अपने गधे पर लदाया और उसको पास के सराय में ले गया। उस सराय में जाने के बाद उसने सराय वाले से कहा, इसकी देखभाल करो, मैं अपने व्यापार में जाता हूँ, जाकर जब तक लौटता हूँ जो भी खर्चा होगा तुम करो, मैं पूरी भरपाई करूँगा। और फिर वो वहाँ से चला गया। यीशु ने फिर पूछा, इन तीनों में से कौन सबसे अच्छा पड़ोसी था, कौन परमेश्वर का दास था, कौन परमेश्वर का काम करता था? आप लोगों को पता है ना, सामरी व्यक्ति। मेरे प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर ने शायद एक बहुत महान धर्म गुरु या बहुत बड़ा परमेश्वर का पुरोहित या परमेश्वर का वचन से सिखाने वाला व्यक्ति करके नहीं बुलाया है, तो भी हमको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। हमको परमेश्वर ने एक ही उत्तरदायित्व दिया है जीवन में, वो है दूसरे से प्रेम करो और दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर करो। सबसे पहली बुलावट एक शिष्य बनने की थी, एलिशा के जीवन से हमने सीखा। दूसरी बुलावट एक पवित्र जीवन जीने के लिए। तीसरी बुलावट एक अच्छा सामरी बनने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर का वचन साफ साफ आपसे कह चुका है कि आप यहां पर अकस्मात रीत से नहीं आए हैं, आपका चुनाव सृष्टि के पहले से किया गया है, आपको शिष्यता के लिए बुलाया गया है, आपको पवित्रता के लिए बुलाया गया है, आपको सेवा के लिए बुलाया गया है। क्या आप तैयार हैं ऐसे एक जीवन के लिए? ये चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप दुनिया के दासत्व में जीना चाहेंगे या परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी तरह से सौंप के जीना चाहेंगे? क्या आप आज भी दुनिया में एक कदम रखकर चलना चाहेंगे या सब कुछ भूलकर
यीशु के पीछे चलना चाहेंगे? क्या आप अपने लिए जीना चाहेंगे या आप दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर करेंगे? चुनाव आपका है। परमेश्वर का बुलावट सभी के ऊपर नहीं आया है, छूने हुए के ऊपर आया है। इस बुलावट को तिरस्कार हम कर सकते हैं या इसको स्वीकार हम कर सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से सामने आया है। हम अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम वो गीत हमेशा गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। पर सच्चाई में परमेश्वर हम बहुत बार हार जाते हैं, ऐसा जीवन नहीं जी पाते जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो। बहुत से बार पाप में पड़ जाते हैं परमेश्वर, बहुत से बार स्वयं की इच्छा से हम शरीर की अभिलाषाओं के अंदर पड़ जाते हैं। आज हमारे ऊपर दया करो परमेश्वर, आज हमें बाहर निकालो प्रभु यीशु, कि हम एक अच्छा शिष्य बन पाएँ, एक अच्छा दास बन जाएँ, एक अच्छा दासी बन जाए परमेश्वर। आज हमारी सहायता करें परमेश्वर कि हम एक पवित्र व्यक्ति बन जाएँ, हम पवित्रता में अपना जीवन जिएं और छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर आप